हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए गवर्नमेंट टीचर। सरकारी टीचर बनने के लिए क्या करें। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ किए और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने अभी BA BSc BCom अपने प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं, डिग्री कंप्लीट किए हैं, कोर्स को कंप्लीट किया है। तो उनका क्वेश्चन था कि भाई हम लोगों को टीचिंग लाइन में जाना है, तो हमें ब्रीफ में बता दीजिए अच्छी तरीके से कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन लाइन में जाने के लिए बेसिकली आप लोगों को दो चीज़ करनी होती है, एक तो DLED BTC जिसको बोल सकते हैं हम लोग, एक होता है आप लोगों का BEd। ठीक है, और यहाँ पर एक और BEd 4 ईयर प्रोग्राम आ चुका है जिसको हम ITEP के नाम से जानते हैं, जो फिलहाल अभी न्यू ये आया है। ठीक है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो भी स्टूडेंट्स अभी BA BSc BCom या फिर ग्रेजुएशन करके कंप्लीट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, तो उन बच्चों का टेंशन है कि हम लोग टीचर बनने के लिए क्या करें, कौन सा कोर्स अब हमें बेहतर रहेगा करना। तो डिटेल में हम सब बता देंगे, 1 से लेकर 12th तक के टीचर बनने के स्ट्रक्चर, कौन सा कोर्स करना होगा, क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप भी एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी BA BSc BCom अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट, तो आप लोगों को कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता देंगे। तो उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में कमेंट करके भी जा सकते हो। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन क्वेरी बचती है तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करके आप लोग मुझसे जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो गाइज, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी कंसर्न ये आ रहा है कि सर जो ग्रेजुएशन के बाद वाली बीएड है वो बंद हो जाएगी, या फिर जो बीएड है वो आफ्टर 12th ही रहेगी, मतलब जो अभी ये कोर्स न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है बीएड 4 ईयर प्रोग्राम का, ITEP के नाम से उसको जानते हैं हम, तो ये ही चलेगा, या फिर हमारे ग्रेजुएशन वाली बीएड बंद हो जाएगी, तो हमें कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कोर्स है आप लोगों का आफ्टर 12th। ठीक है, ये है आप लोगों का 4 ईयर का, जिसमें आप लोगों की ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगी। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगी, यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये, कंबाइंड चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, 4 ईयर में आप लोगों की ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों की बीएड हो जाएगी। यहाँ पर जो कोर्स है ये किस तरह से बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, जैसे जो भी स्टूडेंट्स BSc करना चाहते हैं, मतलब साइंस साइड में जाना चाहते हैं, तो उनको BSc प्लस बीएड हो जाएगी 4 ईयर में उनकी। ठीक है, BSc प्लस बीएड हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स आर्ट वाले हैं, ठीक है, आर्ट में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए BA हो जाएगी। ठीक है, BA प्लस बीएड हो जाएगी 4 ईयर में। और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स पिक करके प्लस बीएड, मतलब 4 ईयर में आप लोगों की ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट हो जाएगी। स्पेशली ये टीचिंग लाइन के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर 12th बनना चाहते हैं टीचर, तो एक तरह से ये काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर NEP में है, जो कि अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी सीट भी बहुत कम है अभी। ठीक है, और हर जगह अभी ये अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो अभी 12th पास करके चुके हैं। ठीक है, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें मेरिट के बेस पर आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा जो भी कॉलेज में इसकी सीटें अवेलेबल होंगी। तो सिंपल सा इसमें यही है, इतना ब्रीफ में समझ लीजिए। ठीक है, अभी आप वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को ये करने का कोई तुक नहीं है, आप लोग इसके बाद डायरेक्ट बीएड करो, जो कि 2 ईयर वाली होती है। और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि ये बीएड बेकार है, अब नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़, जब तक कोई भी प्रोग्राम रनिंग में है वो सब वैलिड है। ठीक है, और वो लाइफ टाइम वैलिड ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स बंद हो गया तो वो इनवैलिड हो गया, वो कोर्स आगे कंटिन्यू नहीं होगा, बट जितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं उस कोर्स को वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये जो बीएड है, यहाँ पर NEP में जो प्रावधान है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं, शिक्षक बनने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, तो वो बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। ITEP आफ्टर 12th हो जाएगा 4 ईयर का। जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं वो 2 ईयर की बीएड जो अभी रनिंग में चल रही है वही है। और जो लोग PG के बाद करना चाहते हैं बीएड, वो 1 ईयर का प्रोग्राम भी लागू या फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, यहाँ पर 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, और PG के बाद भी कर सकते हो। 12th के बाद करोगे तो 4 ईयर की पड़ेगी आप लोगों को, और ग्रेजुएशन की बात करोगे तो आप लोगों को 2 ईयर की पड़ेगी, और PG की बात करोगे तो 1 साल की बीएड पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो टीचर बनना है आफ्टर ग्रेजुएशन, कौन सा कोर्स करना चाहिए, BTC या फिर बीएड या फिर अन्यथा कोई और, तो जो भी रहेगा मैं आपको ईजी वे में यहाँ पर और आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है,
तो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बीए बीएससी बीकॉम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब वो कन्फ्यूज़ हैं कि उनको बीएड करना चाहिए या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड जिसको बोलते हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब करना कैसा, तो उसके लिए पहले आपकी ये चॉइस होनी चाहिए कि आपको कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जो कि होती है 1 से 5 तक क्लास वालों को, ठीक है। कोई होते हैं कि हमें जूनियर वालों को पढ़ाना है, 6 to 8 की क्लास को पढ़ाना है, इसके अलावा हमें ना ऊपर जाना ना डाउन जाना, तो उनके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। और एक होते हैं कि हमें 9 to 10 को पढ़ाना है बस, तो हमारे लिए कौन सा कोर्स है वो बता दीजिए। और हमें कोई स्टूडेंट्स होगा कि हमें 11 12th को पढ़ाना है, ठीक है, तो कौन सा कोर्स करना होगा हमें वो बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है प्राइमरी में टीच करने का, शिक्षक बनने का प्राइमरी, तो आप लोगों को आंख बंद करके क्या करनी होगी, डीएलएड, ठीक है। डीएलएड आपको आंख बंद करके करनी होगी डीएलएड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर होगी, डीएलएड या फिर इसको हम बीटीसी बोल देते हैं, बीटीसी या फिर इसको हरियाणा की तरफ जेबीटी बोल देते हैं, ठीक है, जेबीटी बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको ओनली प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो उनको बीएड नहीं करनी, उनको डीएलएड करनी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें बड़ी क्लास को ही पढ़ाना है, 9 to 10th को पढ़ाना है, तो उनको ओनली बीएड करनी होगी, ठीक है, बीएड आप लोगों को करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें नहीं 10th से भी ऊपर जाना है, हमें 11 12th को पढ़ाना है, तो उनके लिए जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है या फिर जो आपके पास होनी चाहिए डिग्री वगैरह, वो होनी चाहिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएमएससी एमकॉम, और इसके साथ आप लोग के पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बीएड की डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर हर जगह बीएड नहीं मांगते, बट जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक पीजीटी पोस्ट के लिए ओनली पीजी मांगते हैं, बट इन फ्यूचर बीएड भी कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आप लोग पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई, अपने चॉइस के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार आपको किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपको उस हिसाब से कोर्स करना होगा, ठीक है। जो बीएड होती है, बेसिकली बता दूं, ये होती है आप लोगों की डिग्री, जैसे बीए बीएससी बीकॉम, आपकी जो डिग्री वो है ट्रेडिशनल डिग्री, ठीक है। जो बीएड की डिग्री होती है आप लोगों की, ये होती है प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल डिग्री है ये बीएड की डिग्री है आप लोगों की, और जो बीटीसी होती है ये होता है आप लोगों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 ईयर के दोनों प्रोग्राम होते हैं ये, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड 2 ईयर की होती है, और जो ये जो होता है प्राइमरी के लिए जो बीटीसी होती है, डीएलएड होती है, ये भी 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे जूनियर क्या है ये, ठीक है। तो वैकेंसी जो निकलती है, एक तो प्राइमरी में निकलती है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी में, यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम आती हैं, और यहाँ पर अगर वैकेंसी आती हैं तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बीटीसी वाले वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स बीएड वाले वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर के लिए। बट जूनियर की वैकेंसी इतनी ईजिली निकलती नहीं है, यहाँ पर जितने भी शिक्षक पहुँचते हैं वो प्राइमरी वाले ही होते हैं, उनको प्रोन्नत करके या फिर उनको प्रमोट करके आगे जूनियर का टीचर बना दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली प्राइमरी तक रहना चाहते हैं तो आप लोग बीटीसी करिए, अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9 to 10th को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप लोग बीएड की तरफ जाइए, और आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो और हाई को पढ़ाना चाहते हैं 11 12th का, तो आप लोग बीएड कर लीजिए और उसके साथ पीजी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 2 प्रोग्राम एक साथ आप कर सकते हो, बस दोनों प्रोग्राम की जो टाइमिंग वगैरह ड्यूरेशन वो सेम ना हो क्लासेस टाइमिंग, ठीक है। बाकी आप दोनों डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री डिप्लोमा एक साथ कर सकते हो, एक ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो, ऑफलाइन या फिर दोनों ऑफलाइन या फिर दोनों ऑनलाइन, इस तरह से आप लोग कर सकते हो एनईपी के तहत यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की मैंने क्लियर कर दी, प्राइमरी का टीचर बनना है तो गो फॉर बीटीसी डीएलएड, अगर उससे अपर में टीजीटी का टीचर बनना है तो गो फॉर बीएड, और उससे अपर तो गो फॉर पीजी एंड बीएड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर इससे अधिक कुछ जानना है तो सेकंड पार्ट ले आऊँगा इस वीडियो का, कि आप लोगों को कोर्स के टाइम फिर एग्ज़ाम तक पहुँचने में क्या करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, सी टेट, उत्तर प्रदेश का टेट, और ये जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं इनके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँगा। बाकी अभी इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग अगर प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो बीटीसी कर लें, ठीक है। अगर बीएड करोगे तो आप लोग अपर का टीचर बनोगे, ठीक है। अगर 9 to 10th का टीचर बनना है तो आप लोग बीएड करिए, ठीक है। क्योंकि जूनियर की जो वैकेंसी ये नहीं आती है, और आती हैं तो यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। प्राइमरी की वैकेंसी में ओनली प्राइमरी बीटीसी वाले फॉर्म भरेंगे, और जो टीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें ओनली बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे, और पीजीटी की पोस्ट जो आएगी उसमें ओनली पीजी किए हुए और बीएड किए हुए वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे।
तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, अगर और भी कुछ जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बस यही था वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैंने आपको जो ब्रीफ में ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और एक बार ऐसा कमेंट करके जा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।